कांकेर में किसानों ने किया चक्का जाम। सहकारी बैंक में रकम ना मिलने से किसान परेशान हुए। सर्वर डाउन का हवाला दे रहे बैंक कर्मचारी। किसान दो दिन से बैंक के चक्कर लगा रहे थे। बैंक मैनेजर ने कल से किया रकम देने का वादा। तो बड़ी खबर, कांकेर में किसानों ने किया चक्का जाम। सहकारी बैंक में रकम ना मिलने से किसान परेशान हुए। सर्वर डाउन का हवाला दे रहे बैंक कर्मचारी। किसान दो दिन से बैंक के चक्कर भी लगा रहे थे। बैंक मैनेजर ने कल से किया रकम देने का वादा। अब किसानों की परेशानी ये है कि जो दूर से आते हैं उन्हें बार बार आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और बैंक मैनेजर ने कल से रकम देने का वादा किया है, लेकिन किसानों की जो परेशानी थी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और इसके बाद इन्होंने चक्का जाम कर दिया। काफ़ी समझाइश के बाद ये जो जाम है इसे खोला गया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की चौथी बैठक आज शाम 5 बजे नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में होगी, और इस बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी यानी बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वादे महतारी बंधन योजना पर मुहर लग सकती है। इस अहम योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे, यानी साल में 12,000 रुपए। शासकीय स्तर पर इस योजना को लेकर कार्य में तेजी लाने के निर्देश बहुत पहले ही दिए जा चुके हैं। वहीं इस बैठक में विधानसभा बजट सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। साय सरकार छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए ट्रेन चलाने की योजना पर भी निर्णय ले सकती है। विष्णुदेव साय सरकार कैबिनेट की आज होने वाली बैठक को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सब कुछ दिल्ली और नागपुर में तय होता है, यहां औपचारिकता निभाई जाती है। नागपुर से फाइनल होता है, यहां आता है, उसके संदर्भ में उसमें अमली जामा पहनाने के लिए, उसमें कार्रवाई पूरा करने के लिए औपचारिकता पूरी होती है। तो ये जो सरकार है क्या किसी से छुपा है क्या? एक तो कुछ बुलवा करके देख लीजिए, लक्ष्मण रेखा उससे आगे पीछे नहीं, लोग नहीं जाएंगे। जो ऊपर का आदेश है, जो दिल्ली का और नागपुर का आदेश है, उससे 1 इंच आगे नहीं है। छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली गृह मंत्रालय के विभिन्न इकाइयों में पदस्थ रहे छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस स्वागत दास का नाम सामने आ रहा है। स्वागत दास छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस हैं। वे गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के पद पर रहे हैं। स्वागत दास रायपुर भी पहुंचे, डीजीपी के लिए इनका नाम भी दौड़ में शामिल है। और अब बात करेंगे कांकेर की। कांकेर में 4 नक्सली गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद 4 नक्सली गिरफ्तार हुए। कल हुई थी पुलिस नक्सली मुठभेड़। जवानों ने नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री पर बोला था धावा। बड़ी मात्रा में मिले थे बंदूक और देसी रॉकेट लॉन्चर। ऑपरेशन सूर्य शक्ति के तहत ये कार्रवाई हुई। मुठभेड़ के बाद का एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। जब मुठभेड़ हो चुकी थी उसके बाद जवानों ने हथियारों का जखीरा बरामद किया था और पूरे हथियार जब्त कर लिए गए थे। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, 4 नक्सली इस दौरान गिरफ्तार किए गए। और अब बड़ी खबर रायपुर से, जहां पुलिस कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी। पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश, गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया निर्देश। गृह मंत्री के निर्देश पर जारी हुआ आदेश। डीजीपी अशोक जुनेजा ने जारी किया आदेश। अब साप्ताहिक छुट्टी मिलेगी पुलिस कर्मियों को। आप ये देखिए कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने के लिए छुट्टी बहुत ही जरूरी है। पुलिस कर्मियों की लगातार ड्यूटी के चलते उनको आराम नहीं मिल पाता है। लंबे वक्त से हमेशा समय समय पर ये मांग उठती आई है। डीजीपी अशोक जुनेजा ने आदेश जारी किया कि अब पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक छुट्टी मिलेगी। बड़ी खबर रायपुर से। तो
दोस्तों राजधानी रायपुर के करीब 1 लाख घरों को अगले 2 दिन तक पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। आज और कल रायपुर के करीब आधा दर्जन इलाकों में पानी सप्लाई नहीं हो पाएगी। मेन राइजिंग पाइपलाइन में खराबी की वजह से अगले 2 दिन पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। जिन इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होने वाली है उनमें अमलीडीह, अवंती विहार, मंडी, मोगा, सद्दू, दलदल, सिवनी, कचना, आमा सिवनी और ज्वारा की पानी टंकियों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। राजधानी रायपुर के कई इलाकों में आज शाम और कल सुबह पानी सप्लाई जो है बाधित रहेगी। राजधानी रायपुर के 14 वार्डों में पानी जो है नहीं पहुंच पाएगा और 9 टंकियों से पानी सप्लाई पूरी तरह से बाधित रहेगी, जिससे 1 लाख से अधिक परिवार जो है वो पानी परिवारों के पास जो है पानी नहीं पहुंच पाएगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, हम उनसे ही बात करते हैं, उनसे ही जान लेते हैं। भैया, आज शाम और कल पानी सप्लाई जो है वो बाधित रहेगी, कितनी परेशानियाँ आप लोगों को होंगी? अब परेशानी क्या है, जो निगम का परेशानी है वो तो सफाई को देखते हुए भी ये समझ की जरूरी है, टंकी का सफाई होना जरूरी है ना। तो अगर मान लिया जाए इस बीच में अगर सफाई की नहीं हो पाएगा तो नाना प्रकार की बीमारियां होती रहेंगी, इससे अच्छा सफाई होना जरूरी है। तो रह गया सवाल 24 घंटा, अगर 24 घंटा ही तो बंद रहेंगे ना, 24 घंटे में पानी अपना इधर उधर से कहीं सड़क कहीं करके अपना व्यवस्था करेंगे। जैसे हमारे मोहल्ले में 1 ट्यूबवेल है, यहाँ पे उधर में 2 ट्यूबवेल है, वैसे करते करते ना हम लोग गुजारा कर सकते हैं। निगम जो है लगातार टैंकर भेजने की भी बात करता है, तो जैसे पानी की समस्या इधर होती है या पानी सप्लाई बाधित होती है तो क्या निगम की ओर से आप लोगों के लिए टैंकर भेजा जाता है? हाँ, कभी कभी जब समस्या अति समस्या होता है, जैसे ट्यूबवेल बंद हो गया या टंकी में पानी की कमी है, तो अगर पार्षद महोदय से हम लोग मांग करते हैं तो टैंकर की व्यवस्था करते हैं। तो देखिए, आज शाम और कल सुबह कई इलाकों में राजधानी में पानी जो है वो पानी की व्यवस्था जो है वो नहीं हो पाएगी, लेकिन इसको लेकर नगर निगम ने भी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। दरअसल तेली बांधा के राइजिंग मेन पाइपलाइन टनल क्रॉसिंग में मरम्मत का कार्य जो है वो किया जा रहा है, जिसके चलते और ये मरम्मत का कार्य जो है 12 घंटे तक चलेगा, जिसके चलते पानी सप्लाई कई इलाकों में प्रभावित रहेगी। हालांकि इसको देखते हुए निगम ने भी जिन जिन इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी वहां पर टैंकर भेजने की समुचित व्यवस्था जो है वो कर रखी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18, छत्तीसगढ़, रायपुर। राजधानी रायपुर के अलावा न्यायधानी बिलासपुर में भी आज पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर की 8 कॉलोनियों में आज शाम पानी की सप्लाई होगी। कल सुबह भी इन कॉलोनियों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। जिन इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी उनमें तिलक नगर, डबरियापारा, राजेंद्र नगर, सिंधी कॉलोनी, ओम नगर, जरहा भाटा और वियर हाउस रोड शामिल हैं। गौरतलब है कि अमृत मिशन योजना के इंटर कनेक्शन और बल्ब की मरम्मत की जा रही है, जिसकी वजह से इन इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाने के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति के चेयरपर्सन पी चिदंबरम और मैं संयोजक हूं। हमारे अतिरिक्त समिति में 15 और सदस्य हैं। समिति के सदस्यों ने 2 राज्यों को चिन्हित किया, इन राज्यों में वो जाकर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाने के लिए समिति का निर्माण किया है। चिदंबरम सर उसके चेयरपर्सन हैं, मुझे संयोजक की जवाबदारी दी गई है। हम दोनों के अतिरिक्त 15 और सदस्य हैं इस समिति में। समिति के सदस्यों ने अपने विकल्प से कम 2 राज्यों को चिन्हांकित किया है। इन राज्यों में वो जाकर सघन विचारों का आदान प्रदान आमजनों से करेंगे, समूहों से करेंगे, संगठनों से करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी करेंगे। अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ में हुई रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी पर खुशी जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पिछली कांग्रेस की सरकार की तैयारियों का नतीजा है जो इस बार रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है, इस सरकार को उसका लाभ मिल रहा है। सरकार के समय की तैयारी थी, हम लोग सभी तैयारियां कर चुके थे, समीक्षा कर चुके थे, किसानों का पंजीयन, कितने धान खरीदी होंगे, क्या क्या उसमें जरूरत पड़ेगी, धान खरीदी केंद्र से लेकर के
और उसके परिवहन और कस्टम मिलिंग तक की सब हम लोगों ने तैयारी कर दी थी। सरकार को कुछ करना नहीं पड़ा और आज यह जान करके बहुत खुशी हुई कि हमारा जो रिकॉर्ड था उससे भी 108 लाख मीट्रिक टन का जो रिकॉर्ड था उसको क्रॉस हुए। अमरजीत भगत के धान खरीदी को लेकर किए दावे पर मंत्री लखनलाल दिबांगा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किस धान खरीदी का श्रेय कांग्रेस लेना चाहती है जिसे रमन सिंह की सरकार में शुरू किया गया था। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। हम एक एक किसान का धान खरीदेंगे। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी हम कर रहे हैं। 900 रुपए की अंतरराशि एक मुश्त किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। धान खरीदी का एक्चुअली मामला माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका काम शुरू किया। कांग्रेस सरकार हम बोए थे बोल रहे हैं, क्या बोए थे? कांग्रेस सरकार ने क्या किया है 5 साल में? भ्रष्टाचार तो किया है। और अभी हमारे घोषणा पत्र में था कि हम 3100 रुपये में धान खरीदेंगे और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। तो स्वाभाविक है, किसानों का ज़्यादा उत्पादन होता है और किसान पूरे धान को अपने बेच रहे हैं, तो उसमें अपना जो लक्ष्य था उस लक्ष्य से भी पार हो रहा है। अभी 15 दिन खरीदी का समय और बाकी है और जितने किसान के पास धान है वो सारी धान खरीदी होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया अगर किसी किसान समय पर धान नहीं बेच पाएंगे और बाकी रह जाएंगे तो समय को भी हम बढ़ा देंगे।